दादी माँ जी दादी जी दादी माँ जी मियाँ जी 5 मिनट रुक जाइए, मैं पास वाले मंदिर से प्रसाद लेकर आती हूँ, उसमें से दादी जी को फल खिला के दवाई खिला सकते हैं। भाई मैं भी पैसों का इंतजाम कर लेता हूँ। हाँ मैं भी देखता हूँ अगर कुछ हो सकता है तो। प्रतीक जी आप बुरा ना माने तो मैं अपने पापा से मदद लूँ क्या? भाभी मैंने भी इस बारे में सोचा था कि मैं अपने पापा से बात कर लूँ, लेकिन फिर रुक गई, क्योंकि पापा जी को इस बारे में पता चलेगा तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगी। पर रुचिता दादी जी की तबीयत, उनकी जान पापा जी के आत्मसम्मान से ज्यादा जरूरी तो नहीं है ना? मानती हूँ भाभी, लेकिन एक आखिरी कोशिश कर लेते हैं ना, अगर इसमें हार गए तो फिर इस बारे में भी हम सोचेंगे। हाँ भाभी एक लास्ट मौका देती जी, अगर इसमें कुछ बात नहीं बनती तो मैं खुद तुम्हारे पापा से बात कर लूंगा। नेहा जी मैं प्रसाद लेकर आती हूँ। मैं भी कहीं से पैसों का इंतजाम करता हूँ। हाँ मैं भी देखता हूँ। हेलो। हाँ विकास भाई तेरी एक मदद चाहिए। क्या तू इंडिया में नहीं है? मैं प्रतीक गोयल बोल रहा हूँ, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। अरे अरे मेरी बात सुनिए तो। कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा है भाई। दरिया पधारो मारो देश। मुंह खोलू तो सांप लौट जाए, पीछे हट, छोड़ मेरा पैर वरना अभी के अभी बाहर फिकवा दूंगी। वासा मैं आपके पैर पड़ता हूँ। आपके हिसाब से अगर आपके बेटे की जान अगर मेरी वजह से गई है तो आप मुझे जो चाहे सजा दीजिए, लेकिन मेरे परिवार को बख्श दीजिए। ठीक है, ये हैं चाबियां, इसमें फ्रिज की भी चाबी है, ले खिला अपनी माँ को। नहीं उठाई गई, कोई बात नहीं, ले फिर से उठा ले। ओफो, इस बार भी नहीं पकड़ी गई। अच्छा ले अब उठा ले। अच्छा ले। पापा शुक्र मनाइए कि मेरे पापा ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं आपसे आपकी भाषा में बात करूं, ना आज मैं आपको ऐसा जवाब देता कि जिंदगी भर आपको याद रहे। निहार जी फल मिल गया, जल्दी आ जाइए। हाँ जल्दी। दादी जी दादी दादी जी जल्दी से ये केला खा लीजिए, फिर दवाई ले लीजिएगा। Ah
छीन लूंगी मैं, तुझे सड़क पर ले आऊंगी मैं। इस हालत में आप इस मकान के मालिक नहीं, नौकर लग रहे हैं। हीरे बेचना छोड़िए, गोबर बेचिया बाप। ठीक है रुचिता, सिर्फ एक एक पराठा क्यों? दादी जी अब चलकर आराम कर लीजिए, थोड़ी देर में सब सही हो जाएगा। और दादी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं और प्रतीक भाई जल्दी ही कोई जॉब ढूंढेंगे, इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बेटा, आप बिल्कुल आराम कीजिए रूम में।